हनुमान का मान सदा मन में, थोड़ा कम, थोड़ा बेंजो रख दिया, बिल्कुल। हनुमान का मान सदा मन में, कभी दिल से दूरी नहीं होती, और भगवान भक्त के रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं होती। स्वयं भगवान श्री राम कह रहे हैं, एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती, और हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। कितने लोग मानते हैं कि कितना बड़ा दायित्व और कितनी बड़ी जवाबदारी रही। हनुमान जी अयोध्या से उड़ के निकल रहे, हाथ में पहाड़। भरत जी अयोध्या की रक्षा कर रहे। समझ निशा में निशाचर, निशा निशा किसे कहते हैं, थोड़ा बोल तेरे मुझे पता लगे कि नहीं आप तक पहुंची बात। समझ निशा में निशाचर, भरत ने छोड़ा तीर, अरे राम राम कहे धरण पर, गिर गए हनुमत भी। हनुमान जी को तीर लग गया, तो जब राम जी का नाम सुना तो भरत जी ने मन में विचार किया, जो मैं बात कह रहा हूं ये बाप जी बिल्कुल कहीं भी हो तो मुझे टोक देना, बता देना मुझे कि मेरे हाथों से अनर्थ हो गया है, ये राम भक्त है। अब परिचय हुआ तो हनुमान जी ने सारा वृतांत बताया कि इस प्रकार की घटना घटित हुई है, लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं और मैं संजीवनी बूटी लेके जा रहा हूं। तो हनुमान की बातें सुन करके गम की बदरिया छा गई, और हनुमान के दर्शन करने को पूरी अयोध्या नगरी आ गई। अब सभी लोग एकत्रित हो गए, तब उसमें तीन माताएं भी एकत्रित हुई। तीन माताएं कौन सी, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और हाँ थोड़ा अच्छा लगेगा, तीनों माताएं आ गई। हनुमान जी ने जब देखा कि ये मेरे भगवान श्री राम की माता श्री है, दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे माते मुझे अनुमति दो। सुमित्रा जी ने भी ये सुना कि लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं, वहां पर अगर ये बूटी लेके नहीं, बात के मर्म को समझना मित्रों, कुछ समझना। सुमित्रा जी सबसे पहले सामने आई और आकर के हनुमान जी से कहा कि हनुमान तुम जा रहे हो, राम जी को मेरा एक समाचार दे देना, राम जी को एक मेरा मैसेज दे देना, राम जी को मेरी ये खबर पहुंचा देना, ये जो संदेश दे रही हूं। तो देखिए मर्यादा, रिश्तों की मर्यादाएं क्या होती है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, ये रिश्तों की मर्यादाएं कि आज सभी लोग यहां पर हम मौजूद हैं। तो सुमित्रा जी कौन, लक्ष्मण जी की माता जी, वो बोली हनुमान जाकर राम जी से कहना, हनुमान जाकर राम जी से कहना, अरे मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए, अगर मेरे पुत्र के प्राण जाए तो जाए, मगर बिना जाने की के राम अयोध्या न आए, बिना जाने की के राम अयोध्या न आए, बिना जाने
मित्रों बहुत ध्यान देना, ये मैं याद रहूं नहीं रहूं मगर ये प्रसंग आपको अवश्य याद रहेगा कि अमर तो कोई है ही नहीं। कल और आएंगे नखों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले, कारवा चलता रहेगा। ये तो इसी प्रकार। और सुमित्रा जी बोली, धन्य है लखन जो उन्हीं, कोई त्रिकट नहीं कोई त्रिकट नहीं बस एक वो ही, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा, अरे लड़ने भेज दूंगी अपना दूसरा भी बेटा। सुमित्रा जी का दूसरा बेटा कौन, क्या बात है, लड़ने भेज दूंगी अपना दूसरा भी बेटा, अब रोकना ही होगा रोकना ही होगा रोकना ही होगा, इन आंसुओं का बहना रोकना ही होगा आंसुओं का बहना, अरे मेरे लखन के प्राण, मेरे लखन के प्राण, जाए तो जाए बिना जानकी के राम, बिना जानकी के राम। ये सारा मैसेज आ रहा आपका, ये सब लोग देख रहे हैं कि कितना तन्मयता से सुन रहे हैं। सुमित्रा जी ने कहा, मेरे पुत्र की चिंता नहीं है मुझे, मगर जानकी के बिना भगवान राम यहां नहीं आने चाहिए। क्यों? कि सीता जी को हम ब्याह के लाए, वो दो घर की मर्यादा है, दो घर की लाज है, वहां की बेटी है, राजा जनक की बेटी है, तो हमारी कुल वधु है। पुत्र जाए तो जाए मगर सीता आए आए आए, ये किसने कहा? उस मां ने जिसका बेटा मृत्युशैया पर। इतना सुना और हनुमान जी रवाना होने लगे। हे माते अनुमति दो, विलंब हो जाए कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो अब मां कौशल्या आई, और कौशल्या जी कौन? भगवान श्री राम की माता जी। आकर कहा, हनुमान ये जो सुमित्रा ने कहा है वो राम जी से जाके मत कहना, जो सुमित्रा जी ने कहा है वो मत कहना, राम जी को जाकर के वो कहना जो मैं अब कह रही हूं। प्रकाश बाबू ये शायद पहली बार सुना रहूंगा मैं, ठीक है ना। बोली कि पहले मैं बहुत ऋणी हूं इसकी, इसके बड़े कर्ज है मुझ पर, इसका बड़ा, इसने बड़ा बलिदान किया है। मां कौशल्या जी बोली, धन्य है सुमित्रा सत्य की क्षमता लुटा दी, धन्य है सुमित्रा की, बना के दबाया चांद का, धन्य है सुमित्रा सत्य की क्षमता लुटा दी, और मेरी ममता पे अपनी ममता लुटा दी, मेरी ममता पे अपनी ममता लुटा दी। शब्द सुनेगा मुझे आप, धन्य है सुमित्रा सत्य की क्षमता लुटा दी, और मेरी ममता पे अपनी ममता लुटा दी, और इसने क्या किया है? अरे हंस कर दिया है इसने गोदी का गहना, हंस कर गोदी का गहना, कौन कौन, क्या बात है क्या बात है, हंस कर दिया है गोदी का गहना, अब कष्ट राम इसकी खातिर, कष्ट राम इनकी खातिर, यू पाए तो पाए बिना लखन के राम अयोध्या न आई, बिना लखन के राम अयोध्या।
माताओं का वर्णन किया मैंने, हाथ ऊपर करके बताए मुझे पता लगे कि सब लोग चेतन हो। दो माताएं, अब तीसरी माता जी केकई। केकई माँ आई, और केकई जी कौन? भरत जी की माता जी। उसने कहा कि हे हनुमान, राम जी से जो सुमित्रा जी ने कहा वो भी मत जाके कहना, और कौशल्या जी ने कहा वो भी मत कहना, और उनसे ये कहना जो मैं कह रही हूं। बोली, अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूं, अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूं, और क्षमा मांगने के भी लायक नहीं हूं। फिलर फिलर, अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूं, और क्षमा मांगने के भी लायक नहीं हूं। मेरी वजह से जैसे उनको बड़ा कष्ट सहना, मेरी वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना, ये दुनिया वाले मुझ पे सितम ठाए तो ठाए। कौशल्या जी, सुमित्रा जी ने कहा कि बिना जानकी के राम अयोध्या ना आए, और कौशल्या जी ने कहा कि बिना लखन के राम अयोध्या ना आए, और केकई जी कह रही हैं ये दुनिया वाले मुझ पे सितम उठाए तो ठाए, बिन सिया लखन के राम अयोध्या ना आए, बिन सिया लखन अयोध्या ना जिस बात के लिए मैं ये सुना रहा हूं वो मैं अब बता रहा हूं। ये तो तीनों माताओं ने कहा, एक मां ने कहा कि बिना लखन के राम अयोध्या ना आए, एक मां ने कहा कि बिना जानकी के राम अयोध्या ना आए, और एक मां ने कहा कि बिना बिन सिया लखन के राम अयोध्या ना आए। दोनों के बिना नहीं आए। अब हनुमान जी ने अनुमति मांगी कि हे माते अनुमति प्रदान करो, विलंब हो जाएगा। आप इमेजिन करें मित्रों, जिस पत्नी के पति के प्राण संकट में हैं, जाने वाले हैं, और उर्मिला जी सामने आती है और हंसती हुई आती है, हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य होता है ये सब क्या कह रही है, और इनको पता है कि इनके पति के प्राण संकट में, और ये हंस रही है। उर्मिला जी का संवाद मित्रों यही मार्मिक, जो इसका जो क्लाइमेक्स है वो प्रस्तुत कर रहा हूं प्रकाश बाबू, जो इसका क्लाइमेक्स है वो प्रस्तुत कर रहा हूं। केकई जी बोली ना, उर्मिला जी बोली, धर्म धरा को धारण करता वो रघुवंश का बेटा, अरे मौत भी उसका क्या कर पाए जो प्रभु की गोद में लेटा। कानवान, तुमने कहा कि भगवान की गोद में है उनका सर है, तो कैसे मृत्यु आएगी, आ ही नहीं सकती। धर्म धरा
को धारण करता, वो रघुवंश का बेटा, मौत भी उसका क्या कर पाए, क्या कर पाए। जो प्रभु की गोद में लेटा, और हनुमान तुमने कहा कि कल सूर्य उदय होने से पहले तुम्हें पहुंचना है, और मैं कहती हूं कि कल सूर्य उदय होगा ही नहीं। जो बात कह रहा हूं बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूं। बोली, सूर्यवंश की मैं कुलवधू हूं। सूर्य उगेगा ना तो मैं तो सूर्यवंश की मैं कुलवधू हूं। वो मन में मुदित नहीं होंगे और अपनी बहू को विधवा बनाने वो स्वयं उदित नहीं होंगे। मैं, मेरे ससुर है वो, मैं उनकी बहू। तो अब जो बात कही कि राम जी से जाकर के ये कहना, ये सब मत कहना जो इन्होंने तीनों ने कहा है। उर्मिला जी बोली, ये भी नहीं कहा कि बिना लखन के राम अयोध्या ना आए, और ये भी नहीं कहा कि बिना जानकी के राम अयोध्या ना आए। क्या बात कही बोलो। जो करने को आए वो करना जरूरी, जो करने को आए, आए, जो करने को आए वो करना जरूरी, और रावण जैसे पापियों का, क्या बात है, क्या बात है, रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी। जो करने को आए जो करने को आए वो करना जरूरी, और रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी। और रामवीर, एक बार मैं चाहता हूं कि इसके जो लेखक हैं रामवीर सिंह जी प्रधान, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से आप सभी। बहुत सुंदर भजन लिखा है इसलिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। रामवीर सिंह जी नाम उनका नाम है। अरे रामवीर ऐसे भजन लिखते ही रहना, रामवीर ऐसे भजन लिखते ही रहना, और छाप काट गाने वाले, छाप काट गाने वाले गाए तो गाए। उर्मिला जी बोली, अरे छाप काट गाने वाले गाए तो गाए, बिन रावण को मारे राम अयोध्या न आए। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, क्या बात है, क्या बात है। सिर्फ मुझे देखना होता है। Thank you.
अरे बिना जाने की केरा, बिना जाने की केरा, बिना लखन के राम। ये बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है कि अब हम कनेक्ट हो गए, नेटवर्क जुड़ गया, जुड़ा ना। बिन रावण को मारे राम, दोनों हाथों को उठा करके और हो बिन रावण को मारे राम अयोध्या नया हो मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवहु सुदशीरथी अजरी बिहारी। आप भी बरसी है ओ राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लिया जग जान निहारा। मैं निवेदन करूंगा कि दोनों हाथों को उठा करके और अपनी जिभ्या को पवित्र करें, भगवान का नाम है और ब्रह्म मुहूर्त में ले रहे हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, और ये चौपाई मुझे बहुत प्रिय है जो प्रस्तुत कर रहा हूं। हो जा पर कृपा राम की हो कृपा करे हर कोई ओम सिया राम जय जय राम।